नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानकारी लेके आए हैं कि रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, उसकी आधुनिक विधि हम आप सभी को बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकोन को दबाना न भूलें। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती रहेंगी, जिससे आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं रबी फसलों में खरपतवार की। किसान भाइयों, रबी फसलें यानी शीत ऋतु की फसलें या फिर आप जाड़े की फसल भी कह सकते हैं, जिनमें गेहूं, चना और सरसों, गोभी वर्गीय सब्जी की फसलें आदि अनेक फसलें आती हैं। चलिए बात करते हैं उनकी सुरक्षा की। हमारी कृषि की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की उत्पादकता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी उत्पादकता को विकसित देशों की उत्पादकता के सामने लाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के खरपतवारों, कीड़ों और बीमारियों के प्रकोप से फसलों को बचाना पड़ेगा। हमारे देश में रबी मौसम में गेहूं, सरसों, राई, मटर, चना, मसूर, आलू इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। रबी फसलें अकेले खरपतवार के प्रकोप के कारण हमारे फसलों में लगभग 37% क्षति होती है। आप जानिए 37% बहुत अधिक होती है, इसलिए समय पर खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है। रबी मौसम में पाए जाने वाले मुख्य खरपतवार इस प्रकार है। घास जाति वाले खरपतवार, रबी फसलों में गुल्ली डंडा, जंगली जई, फुलनी घास और दूब घास इत्यादि प्रमुख है। यह घास जाति के खरपतवार हैं। अब जोड़ी पत्ती वाले खरपतवार, रबी फसलों में बथुआ, खरथुआ और सेंजी, कटेली, हिरनपुरी, करसन्नी, गजरा, पीत पापड़ा और जंगली पालक इसमें जोड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में प्रमुख है। अपात करते हैं खरपतवारों के प्रकोप से नुकसान। रबी फसलों में आमतौर पर खरपतवार फसलों को प्राप्त होने वाली 37% नाइट्रोजन, 42% फास्फोरस, 50% पोटास और 39% कैल्शियम और 24% मैग्नीशियम का उपयोग कर लेते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार फसलों को नुकसानदायक रोग एवं कीटों को भी आश्रय देकर फसलों का नुकसान पहुंचाते हैं। आप जानिए जो ये खरपतवार पैदा होते हैं, जो आप उर्वरक की मात्रा देते हैं आधे से अधिक यानी उसके करीब वो उसका उपयोग कर लेते हैं, तो फसलें इससे बहुत प्रभावित होती हैं। इसके अलावा रबी फसलों में कुछ जहरीले खरपतवार जैसे गाजर घास, धतूरा, गोकरू, कांटेदार चोलई आदि न केवल खेत के उत्पादकता गुणवत्ता को घटाते हैं बल्कि मनुष्य एवं पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति भी खतरा उत्पन्न करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य करने के बाद रबी मौसम की मुख्य फसलों में खरपतवारों के प्रयोग से औसतन उपज में होने वाले नुकसान को नीचे सूची में दर्शाया गया है। सूची इस प्रकार है, देखिए आप यहाँ पे फसल है, फिर उसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं और फिर पैदावार में आनी है। पहले हम गेहूं को ही लेते हैं। गेहूं की जो क्रांतिक अवस्था है वो 30 से 45 दिन और पैदावार में इस खरपतवारों से इसको 20 से 40% तक आनी हो सकती है। सरसों में 15 से 40 दिन क्रांतिक अवस्था होती है और 15 से 30% ये खरपतवार इसको पैदावार में आने पहुंचाते हैं, जो कि आपको सीधा सीधा नुकसान है। चना 30 से 60 दिन और 15 से 25% इन खरपतवारों से चने में भी हानि होती है। आलू जो 20 से 40 दिन क्रांतिक अवस्था है और 30 से 60% बहुत अधिक हानि पहुंचती है आलू को भी इन खरपतवारों से। उसके बाद है गोभी वर्गीय फसलें जो 30 से 45 दिन की क्रांतिक अवस्था में होती हैं, 50 से 60% यह भी हानि का शिकार होती है। अब रबी फसलों में कब करें खरपतवार पर नियंत्रण।
रबी फसलों में खरपतवारों के प्रकोप के कारण होने वाले हानि की सीमा अनेक बातों पर निर्भर करती है। रबी की फसलों में किसी भी अवस्था में खरपतवार नियंत्रण करना सामान्य रूप से आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है, इसलिए प्रत्येक फसल के लिए खरपतवारों की उपस्थिति का कारण सर्वाधिक हानि होने की अवधि निर्धारित की गई है। इस अवस्था या अवधि को क्रांति की अवस्था कहते हैं, जो मैंने आपको ये दिखाई है क्रांति की अवस्था। आप इस अवस्था में अपनी फसल में खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। खरपतवारों की उपस्थिति के कारण सर्वाधिक हानि की अवधि निर्धारित की गई है। इस अवस्था या अवधि को क्रांति की अवस्था कहते हैं, इसलिए समय पर खरपतवार नियंत्रण करने के लिए उपरोक्त सूची में प्रत्येक फसल के लिए क्रांति की अवस्था और खरपतवार नियंत्रण न करने पर होने वाली क्षति की सीमा आपको दिखाई गई है, जो मैंने आपको बताया है। कैसे करें खरपतवार नियंत्रण? किसान खरपतवार को अपनी रबी की फसलों में विभिन्न विधियों जैसे कर्षकण, यांत्रिक, रसायन और बायोलॉजिकल विधि आदि का प्रयोग करके नियंत्रण कर सकते हैं इन खरपतवारों पर, लेकिन प्रारंभिक विधियों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण करने पर लागत और समय अधिक लगता है, इसलिए रसायनों के द्वारा खरपतवार जल्द एवं प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किए जा सकते हैं। यह विधि आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी है। रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में प्रयोग किए जाने वाले शाकनाशियों की विस्तृत जानकारी नीचे सूची में दी गई है। रबी फसलों में उपलब्धता के अनुसार किसी एक शाकनाशी का प्रयोग करके खरपतवारों को नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा रासायनिकों के प्रयोग न करने की स्थिति में दो निराई गुड़ाई लगभग 25 से 30 दिन के अंतराल पर करने से भी खरपतवार फसल उसे मुक्त हो सकती है। अब हम आपको साधना की जो खरपतवार नाशी हैं, उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ रसायनों की तकनीक का नाम है जो ओरिजिनल है, उसके बाद है व्यापारिक नाम जो कि फार्मुलेशन बोलते हैं जिसको, उसके बाद है मात्रा ग्राम सहकरीय तत्व प्रति हेक्टेयर, यानी ग्राम मात्रा एक बार फिर समझ लें, ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर मात्रा है ये। फिर है उत्पाद की मात्रा ग्राम प्रति हेक्टेयर, और फिर है प्रयोग करने का समय, यानी आप कौन सी फसल में किस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है जो चौड़ी पत्ती वाले या फिर संकरी पत्ती वाले या फिर अन्य घासों का विवरण है, जिसमें आप अपने खेत में पहचान के घास को और यहाँ आके आप पढ़ के और उसका भी नियंत्रण कर सकते हैं। मैं इस लेख का URL यानी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके और इनके बारे में अच्छे से सूक्ष्मता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इस विवरणों को हम जान लेते हैं। दवाई है यानी खरपतवार नाशी है पेंडीमिथालिन, यह स्टाम्प 38.7% ईसी है और ये सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और उत्पाद 2600 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जाती है। बुआई के 1 से 2 दिन तक, यानी जब आप बुआई कर दें उसके पहले और दूसरे दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अंकुरण के समय किसान भाई इस दवाई का प्रयोग न करें, अन्यथा आपकी फसल खराब हो जाएगी। विवरण इस प्रकार है, किस किस प्रकार के घासों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। संकरी एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु प्रभावशाली प्रयोग के समय पर भूमि में उपयुक्त नमी होना आवश्यक है। ध्यान रखें कि आपकी भूमि में नमी होना अति आवश्यक है इस दवाई के प्रभाव के लिए यानी खरपतवार नाशी के लिए। गेहूं के साथ दलहनी या तिलहनी के अंतर्वर्ती या मिश्रित फसलों में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आपने गेहूं के साथ कोई मिश्रित फसल उगा रखी है तो आप उस पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब उसके बाद आइसोप्रोटोरान एरिलोन 75 WP, यह सक्रिय उत्पाद 750 से 1000 ग्राम और उत्पाद 1250 ग्राम 75% WP। बुआई के 25 से 35 दिन पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा।
वार्षिक चौड़ी एवं घास कुल के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए पहली सिंचाई के बाद प्रयोग करें। आइसोप्रोटन प्रतिरोधी फिलेरिया माइनर वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग न करें तो अच्छा रहेगा। गेहूं के साथ सरसों के अंतर्वर्ती या मिश्रित फसल के लिए यह उपयुक्त है। अब बात करते हैं टू फोल्ड सोडियम लवण, विडमार 80% WP, यह सहकारी उत्पाद 400 से 600 ग्राम और उत्पाद 600 से 800 ग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई के पश्चात चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब है मेट्रोब्यूजिन सेंकर 70% WP या फिर टाटा मेट्री सेंसर 70% WP, इसका सक्रिय उत्पाद 100 से 150 ग्राम और उत्पाद 150 से 225 ग्राम का प्रयोग करें प्रति हेक्टेयर बुआई के 25 से 35 दिन पर। आइसोप्रोटन प्रतिरोधी फिलेरिस माइनर के नियंत्रण के लिए प्रभावशाली, साथ ही साथ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए भी उपयुक्त है। प्रयोग के समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और फ्लेजेंट नोजल्स यानी WFS 040 का ही आप इस पर प्रयोग करेंगे तो ये आपको बेहतर परिणाम देगी। डाइक्लोलोहोफ मिथाइल गिलाक्सान 28% EC 1000 सक्रिय उत्पाद ग्राम में और 3000 ग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पाद, तो इसके लिए बुआई के 25 से 35 दिन पर आप इसका प्रयोग करें। पहली सिंचाई के बाद प्रयोग करने पर जंगली जई फ्लेरिंस माइनर का प्रभावी नियंत्रण और गेहूं के साथ दलहन या तिलहन की मिश्रित या अंतर्वर्ती फसलों के लिए उपयुक्त है। उसके बाद है सल्फुरान, इसके लिए लीटर 75% WG और रिक सल्फो 75% WGS, F10% WG और सल्टोप 75% WG का प्रयोग कर सकते हैं। यह 25 ग्राम सक्रिय तत्व के तौर पर और 33 ग्राम उत्पाद के तौर पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर बुआई के 25 से 35 दिन पर। आइसोप्रोटोन प्रतिरोधी फिलेरिसिस माइनर के लिए प्रभावी घास कुल विशेष रूप से जंगली जई के लिए अत्यधिक प्रभावशाली है, कुछ हद तक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को भी नियंत्रण करता है, अंतर्वर्ती या मिश्रित फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि अगर आपने गेहूं के साथ किसी अन्य फसल की बुआई कर रखी है तो यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद आता है क्लोडोनिफोफ प्रोपोजिल टॉपिक 15% 60 WP, इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह सक्रिय उत्पाद के तौर पर 60 ग्राम और उत्पाद के तौर पर 400 ग्राम बुआई के 25 से 35 दिन पर आइसोप्रोटोन प्रतिरोधी फिलेरिसिस माइनर के लिए प्रभावी, गेहूं के साथ सरसों मिश्रित फल में भी उपयुक्त है। यानी आपने गेहूं के साथ अगर सरसों उगा रखी है तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है फिनोकोसोप्रोप्स इथाइल उमा सुपर 10% EC, इसका सक्रिय उत्पाद यानी 100 से 120 ग्राम और उत्पाद 1000 से 1200 ग्राम बुआई के 25 से 35 दिन पर आप इसका प्रयोग करें। आइसोप्रोटोन प्रतिरोधी फ्लेरिस माइनर के लिए प्रभावी घास कुल विशेष रूप से जंगली जई के लिए अत्यधिक कारगर, सुबह जब पत्तियों पर ओस की बूंदे हों तो छिड़काव न करें इसका आप। उसके बाद है मेटल सल्फोन मिथाइल एलग्रिप 20% WP, PL-ELBO 20% WP, हुक 20% WP का प्रयोग कर सकते हैं। 4 से 6 ग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय उत्पाद और 20 से 30 ग्राम उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं बुआई के 25 से 30 दिन बाद। चौड़ी पत्ती और कटेली तथा जंगली पालक जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए प्रयोग करें, घास कुल पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है इससे। यदि आप घास का इससे नियंत्रण करना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। कार्फेंट्राजोन एफिनिटी 40% DF,
इसका सहकारी उत्पाद 25 ग्राम और उत्पाद 62.5 ग्राम प्रयोग करें बुआई के 25 से 30 दिन पर। थोड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। फल्यूक्लोरिन वासलिन 45% ईसी का प्रयोग आप कर सकते हैं 1000 ग्राम सहकारी उत्पाद और 2000 ग्राम उत्पाद के तौर पर बुआई के ठीक पहले मृदा में मिलाएं। यानी आप जब फसल उगा रहे हैं उससे ठीक पहले आपको इसको मिट्टी में मिलाना होगा। रसायन का प्रयोग के बाद मृदा में मिलाएं ताकि सूर्य की रोशनी से रसायन के प्रभाव पर कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। यह रसायन सभी प्रकार के संकरणी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। ऑक्सीक्लोरोफेन ऑक्सीगोल्ड 23.5% ईसी 150 से 250 ग्राम सहकारी उत्पाद और 600 से 1000 ग्राम उत्पाद बुआई के 3 दिन के अंदर आपको इसका प्रयोग करना होगा। अधिकतर वार्षिक घास जाति और कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण करता है। प्रयोग के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना इसके लिए आवश्यक है। कयूजुल फोफ इथाइल तारगा सुपर 5% ईसी 40 से 50 सक्रिय उत्पाद और 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पाद के तौर पर आप इसका प्रयोग करें बुआई के 15 से 20 दिन के अंदर। घास फूल के खरपतवारों पर का प्रभावी नियंत्रण है इससे। अब बात करते हैं गोभी वाली फसलों के लिए फल्यूक्लोरिन वासलिन 45% ईसी 1000 सक्रिय उत्पाद ग्राम और 2000 उत्पाद के तौर पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बुआई के ठीक पहले मृदा में मिलाएं। रसायन का प्रयोग के बाद मृदा में मिलाएं ताकि सूर्य की रोशनी से रसायन के प्रभाव पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। यह रसायन सभी प्रकार के संकरणी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। उसके बाद है पेंडीमिथिलीन स्टाम्प 38.7% ईसी यह भी 1000 ग्राम सक्रिय उत्पाद और 2600 ग्राम उत्पाद के तौर पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बुआई के 1-2 दिन में। यानी बुआई के 1-2 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बाद में इसका प्रयोग न करें नहीं तो आपके फसल पर अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। सभी प्रकार के घास और कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को प्रभावी नियंत्रण यह करता है। उपरोक्त खरपतवार से रसायनों का प्रयोग से रवि फसलों में खरपतवार के प्रकोप के कारण होने वाले हानि या नुकसान को उस खरपतवार के हिसाब से चुन करके रोक सकते हैं। यह सब खरपतवार नाशी अपनी परिस्थितियों और खरपतवारों अनुकूलता और वातावरण के हिसाब से प्रभावी हैं। लेकिन रवि फसलों में खरपतवार नाशी रसायनों को प्रयोग से सावधानी और सतर्कता बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे किसान या किसी अन्य मनुष्य का जीवन बहुमूल्य है जीवन उसका। इसलिए रवि की फसलों और अन्य रसायनों का प्रयोग करते समय अपनी सुरक्षा अवश्य करें और उसको कैसे प्रयोग करें अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से हमारी वेबसाइट पर आके आप क्लिक करके और उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं, जिससे आपको किसी जोखिम का सामना न करना पड़े। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं एक बार फिर कहूंगा आप इनकी अच्छी तरह से जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट dainikjagriti.com पर आके और पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके और ये पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन मैं अपने बंधुओं से कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटी के आइकॉन को दबाना न भूलें, जिससे आपको समय समय पर जानकारियां मिलती रहेंगी। और यदि आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।